यहाँ बहुत कुछ हो गया था पिछले 2-4 दिनों में। बहुत कुछ, बहुत बुरी बुरी खबरें आईं। सारे लोगों के ना कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मैं काफी दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूं, थोड़ा मन भी नहीं, लेकिन बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है आयशा की दुनिया में। होप आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जो नए चैनल पे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, बेसिकली आज कोई ब्लॉग नहीं है, बट हाँ आप लोगों के लिए मैसेज देना है क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। तो गाइस, हमारे साथ ना कोई मतलब हमारे साथ हमारी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह से अब सब ठीक है, सब नॉर्मल है। कहते हैं ना, जब किसी अपने के साथ कुछ होता है तो फिर मन ही नहीं करता कुछ करने का, तो ऐसे ही था। बहुत सी चीज़ें ऐसे हो गई, हमारे हस्बैंड की मामी एक्सपायर हो गई है, तो बहुत चीज़ें एक साथ हुई, मतलब बैड न्यूज़ आ रही थी, तो हम लोग उसी को टैकल करने में लगे हुए थे। थोड़े सारे अभी अपसेट भी हैं, थोड़ा मन भी नहीं, लेकिन बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने इसलिए आप लोग को मैसेज दे दूँ क्योंकि सब घबरा भी रहे कि खुदा नखास्ता हमारे साथ तो कुछ नहीं हो गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक है और जो भी परेशानियाँ थी वो भी सही हो गई हैं। कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं करा तो आपके साथ भी बुरा नहीं होता। और कुछ लोग होता है कि जब किसी के साथ बुरा होता है तो लोग खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक आजमाइश होती है, कि इम्तिहान होता है, लेकिन अल्लाह के शुक्र से हमने हर चीज़ से अल्लाह की तरफ से हमने पास हो गए हैं और सब कुछ ठीक है। अगर आप लोगों के भी कुछ सुनने में आ रहा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब सब ठीक है, सारी चीज़ें टैकल हो चुकी हैं। तो हमने सोचा हम आप लोग को मैसेज देते हैं और इंशाल्लाह के हुक्म से हम कल से व्लॉगिंग अपनी वैसे ही शुरुआत और वैसे ही स्टार्ट कर देंगे जैसे आप लोग को करा करते थे और दिया करते थे। बट आप लोगों को हमको ऐसे ही प्यार देना है और थैंक यू, आप लोगों ने इतने पेशेंटली हमारे व्लॉग का इंतज़ार करा। तो ये मैसेज आप सबके लिए है और ऐसे ही आपको प्यार देते ही रहना। क्या हुआ, कैसे हुआ, इतने सारे सवाल आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो मैं पहले बता दूँ, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ऑन कैमरा देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, और कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो आप लोग समझिएगा। कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल, बेसिकली मन तो ये था कि व्लॉगिंग ही छोड़ दूँ और अब व्लॉग करूँ ही नहीं, इतने ज़्यादा अपसेट थे हम लोग। और क्यों अपसेट थे वो हमारे हस्बैंड थोड़ी सी तफसील देंगे आपको। यहाँ बहुत कुछ हो गया था पिछले 2-4 दिनों में, बहुत कुछ, बहुत बुरी बुरी खबरें आईं, कुछ फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी लेके ब्रदर लॉस के साथ, और प्लस मेरी मामी की वो एक्सपायर हो गई हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी जन्नत में दर्जात बुलंद करे। अरे यार, बस 2-4 दिन से थोड़ा सा टेंशन में थे तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया। ये भी कुछ नहीं था मन करने का, लेकिन ज़रूरी था कि कुछ बाइशा बता रही थी कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा, तो सोच रहे हैं कुछ हमारे साथ मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई है, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। बस यही था कि मेन मोटिव कि आप लोग को बता दें, सबको हमारे साथ लग रहा था कि कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। आप लोग की दुआएं ऐसी बनाए रखे हमारे साथ, है ना, तो उनकी दुआएं सब बनता रहेगा और देखते हैं ना, एंजॉय करें आगे इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट करेंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ा कुछ टाइम लगता है हर चीज़ में। अब जो व्लॉग आप इसके बाद देखेंगे वो मेरा व्लॉग है, इस जो इंसिडेंट जितने भी हुए उनसे पहले का, तो मैंने शेड्यूल कर रखा था जो 14 जनवरी को, मतलब 14 को देखने वाले हैं, बट इसलिए मैंने अभी रोक दिया था सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं, पहले मैं मैसेज दे दूं लोगों को फिर, क्योंकि उस व्लॉग में कुछ नहीं है, शेड्यूल कर रखा था, मैंने सोचा पहले मैं मैसेज कर दूँ लोगों को, दे दूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ, बट अब सब ठीक है, मेरा भाई वगैरह सब ठीक है। कुछ मेरे भाई के साथ भी इंसिडेंट हो गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब सब बेटर है। तो सोचते तो था बिल्कुल लास्ट व्लॉग दे दूंगी, अब नहीं दूंगी इसके बाद, लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसे जारी रखेंगे जैसे आपको अपने मेरे हस्बैंड ने बताया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस आप लोग से यही दुआ है, आप ऐसे ही हमें बहुत सारा प्यार देते रहे और हमारी फैमिली को। ठीक है, बस आप लोग इस चीज़ के लिए हो रहे हैं इत्मीनान रखें और व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। मूसा हयात, हम सब पूरी फैमिली को आप कल से देख पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।